नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस डिजीज 19, जिसको हम कहते हैं COVID-19, इससे पूरी तरीके से भयभीत है। और दोस्तों, कल जो है इंडिया में जनता कर्फ्यू है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है कि कल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप घर से ना निकलिए। दोस्तों, राष्ट्र की तरफ से ये एक दिन का जो है आपको जो है कहा गया है कि आप इसमें सहभागिता कीजिए। वैसे अगर आप 10 दिन 12 दिन ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्लेस पे ना निकले तो ज्यादा बेहतर है। अपने हाथों की जो है साफ सफाई रखिए। अगर कोई जो है कोरोना वायरस के जो है सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कीजिए। और हर एक स्टेट का जो है अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आपको जो है इस मेरे वीडियो लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर केंद्र का और राज्य का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप अलर्ट रहिए और आप अपने को जो है बचा के रखिए, तभी जो है कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। आइदर हम देख रहे हैं कि इटली, जर्मनी, स्पेन, चाइना धीरे धीरे करके कल के डाटा में यह था कि विश्व के 168 देशों में जो है कोरोना वायरस से फैल चुका है। आज का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है उसके अनुसार 177 देशों में जो है ये अपना पांव पसार चुका है और मौतें भी जो है जो कल 9000 के करीब थी, आज जो है COVID-19 से मरने वालों की संख्या जो WHO के अनुसार आंकड़ा है वो लगभग 10000 के करीब पहुंच चुका है। भारत में भी जो कल का आंकड़ा था वो 195 जो है था कि कोरोना वायरस से इतने लोग ग्रसित हैं, वो आंकड़ा बढ़ के 300 प्लस हो गया। और ये दोस्तों हम उस की बात कर रहे हैं जिनको जो है कोरोना वायरस का जो है टेस्ट किया गया है। आप सोचिए कि अभी जो है अगर टेस्ट पूरा होगा तब कितने लोग जो है इस कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है। इसका एक ही उपचार है कि आप जो है अपने को जो है पब्लिक प्लेस से अलग रखिए। कोल्ड है, फीवर है, सर्दी जुखाम है तो आप जो है मास्क का प्रयोग कीजिए। दिन में जो है अल्कोहल युक्त डिटॉल हो गया, डिटॉल साबुन हो गया, साबुन हो गए, इनसे जो है 10-12 बार जो है हाथ को जो है धुलिए और हमेशा पब्लिक प्लेस में जाने से बचिए, तभी जो है इससे लड़ा जा सकता है। तो कल का दिन आप जो है कहीं पे मत निकलिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप जो है अकेले रहिए। तो दोस्तों, अगले अपने लेक्चर में हम इस पे चर्चा करेंगे तो क्या जो है आपको जो है करना चाहिए इसमें और क्या क्या मिथक जो है हमारे सोसाइटी में इस समय भ्रांतियां लोग पाले हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम दोबारा से अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।